Hello, 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 assalamu alaikum. I hope everyone is doing well and having a great day. So, आज हमारे चैनल पे बनने जा रही है सब्जी and this recipe is perfect for kids. Don't miss it and do watch the full video. हाँ जी, तो ये एक कुकिंग वीडियो है एंड ये देख सकते हैं आप, ये सब्ज़ी आपको पता चल गई होगी कौन सी है. जी हाँ, ये तुरई है और तुरई का सालन बन रहा है आज. और जाहिर है बच्चों को आपको पता है सब्ज़ी खाना पसंद नहीं होता है, और अभी तुरई को देख के तो अब्दुल्ला इस लाइक, ये क्या है मामा, व्हाट इज़ दिस, एंड मैं नहीं खाऊंगा ये, तो ब्ला ब्ला ब्ला. बट ये रेसिपी ज़रूर उसको पसंद आएगी एंड मैं इसी तरह तुरई उसको बना के खिलाती हूँ, और माशाल्लाह 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 से मेरे दोनों बच्चे बहुत इन्जॉय करके खा लेते हैं. सो आप भी ये रेसिपी बच्चों के लिए ट्राई करिएगा एंड यू विल लव इट. तो आज है ट्यूसडे का दिन एंड ऑफ कोर्स मिड वीक में आप, जाहिर है सब्ज़ी बनाना भी ज़रूरी होती है एंड दैट्स फॉर हेल्दी फॉर किड्स. ऑफ कोर्स ग्रीन वेजिटेबल इज़ ऑलवेज गुड फॉर किड्स एंड गुड फॉर योर हेल्थ. सो ट्राई ज़रूर करिएगा एंड आप बताएं आपके घर में क्या बना. ऑफ कोर्स ये वीडियो आते आते थोड़ा टाइम लग जाएगा क्योंकि बच्चों के साथ ऑफ कोर्स आपको पता है मैनेज करना थोड़ा मुश्किल होता है, बट स्टिल जब वीडियो आएगी तो आप रेसिपी ज़रूर देखिएगा एंड यू विल लव इट. सो ये देखिए, मैं इसको जो है छिल रही हूँ, पील ऑफ कर रही हूँ तुरई को, एंड आप इसके जो है स्टार्ट और एंड क्या काट के उसको पील ऑफ करें और अंदर देख लें ऑफ कोर्स कि सड़ी भी ना हो और सब कुछ साफ़ हो. तो अभी मैं इसको पील ऑफ कर रही हूँ एंड देन हम इसको पीसेस में कट करेंगे. तो आई गेस इट्स टाइम टू फास्ट फॉरवर्ड इट. Meanwhile, if you haven't subscribed our channel, so do subscribe it right now and don't forget to ring the bell icon. What do you want to eat? I don't like you. You don't like me? I don't like it. It's cold. You don't want to eat this turai? But I will cook it very nicely. You will love it. Ajay, come here, talk to me. सो एज आई टोल्ड यू बिफोर के वो हर थोड़ी देर बाद आके यही किचन में बोल के जा रहे हैं कि आई डोंट लाइक इट एंड आई डोंट वॉन्ट ईट इट. और उनको जब भी वेजिटेबल की बात आती है सो ही इज़ लाइक आई वॉन्ट टू ईट भिंडी एंड ही लव्स टू ईट भिंडी. बट ऑफकोर्स ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ भिंडी खाएगा बच्चा. बच्चों को हर वेजिटेबल ट्राई करवानी चाहिए एंड उसको इस तरह कुक करना चाहिए कि उनको पसंद आए. मिर्च मसाला कम करके उनको इस तरह पसंद आए. तो लेट्स सी उनको ये कैसी लगती है एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. ओके जी, सो फाइनली पील ऑफ हो गई है. नाउ वी विल कट इट इन टू पीसेस. अच्छा, बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं काटेंगे लेकिन मोटा भी नहीं काटेंगे, और इस तरह इसको हम जो है पीसेस में काट लेंगे. अच्छा, जो है सब्ज़ी बनाने की बात यही होती है कि इसमें जो है आपको ये सब काटना और छीलने के टाइम आपको लगता है, बट बनती बहुत ही क्विकली है. सो दिस विल ऑल्सो बी क्विकली कुक्ड. आई गेस सिर्फ 20 मिनट्स लगेंगे प्रोबेबली एंड देन इट वुड बी रेडी. सो बस आपको जो है ना इसमें मेन आपको मेहनत यही करनी पड़ती है कि आपको जो है वेजिटेबल्स कट करनी पड़ती हैं, उसमें टाइम कंज्यूमिंग होता है. एंड जो प्रॉब्लम आ रही है, अब सर्दियाँ आ रही हैं एंड अनफॉर्चुनेटली कराची में गैस की लोड शेडिंग भी शुरू हो गई है. सो मुझे बताइएगा किनके घरों में गैस जा रही है, किनके नहीं, क्योंकि मेरी जा रही है एंड आई एम अभी इन अ बिट हरी, क्योंकि फिर जो है दोपहर का खाना नहीं हो पाएगा और गैस चली जाएगी, और फिर वो आती है शाम में मगरिब तक, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है मेरे लिए. तो इसलिए फिर मैं उसको रेडी करने की कोशिश करती हूँ गैस जाने से पहले. तो मुझे बताइएगा किनकी लोड शेडिंग हो रही है एंड हु इज़ लकी इनफ कि अभी तक उनको गैस की प्रॉब्लम नहीं हो रही है. ओके जी, सो एज़ यू कैन सी के कट गई है हमारी तुरई, और अब इसको हम लोग वॉश करके पानी में भिगो के रख देंगे एंड लेट्स स्टार्ट दी प्रेपरेशंस नाउ टू स्टार्ट दी कुकिंग. तो अब इसको पानी में डाल के रख देंगे. अच्छा जी, अब हमने ले लिया एक अदद प्याज और अब इसको कटिंग कर लेते हैं. अच्छा, प्याज ये कुछ ज़्यादा ही बड़ी है आप देख सकते हैं, तो मैं इसको थोड़ा सा छोड़ के और सारा कट कर लूँगी. तो
अच्छा ये जो है इसमें सिर्फ प्याज नीडेड है हमें और कुछ नहीं, टमाटर भी नहीं जाएगा, सिर्फ प्याज डालेंगे और उससे ही हम तुरई बनाएंगे। ओके जी सो कढ़ाई में अब मैंने तेल ऐड कर दिया है और हम इसमें फ्राई करेंगे प्याज। अच्छा प्याज को बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है या बिल्कुल ब्लैक या ब्राउन नहीं करना है, हम इसको बिल्कुल लाइट कलर का रखेंगे और उसके बाद तुरई ऐड करेंगे। ओके फ्राई हो गई है प्याज, मेरा थोड़ा सा डार्क कलर हो गया हल्का सा बिकॉज फ्लेम बहुत ज़्यादा आ रही थी। एंड नाउ वी आर एडिंग तुरई। अच्छा पानी सही से ड्रेन आउट करके आप तुरई ऐड करेंगे और इसमें हम बिल्कुल भी पानी यूज़ नहीं करेंगे, हम इसी के पानी में इसको गला लेंगे और ये आराम से बनेगी। और अगर सब्ज़ी जो है आप उसी के पानी में गलाते हैं और इसमें एक्स्ट्रा पानी नहीं ऐड करते तो वो बहुत ही मज़ेदार बनती है, तो आप ज़रूर ट्राई करिएगा। जैसे कि कुछ सब्ज़ी में हम टमाटर डालते हैं और उसी के पानी में गलाते हैं, या फिर जैसे इसको हम इसी के पानी में गलाएंगे और आप देखिएगा ये कितने मज़े की बनेगी। सो अच्छा जी तो अब हम हल्दी ऐड कर रहे हैं, हाफ टी स्पून इज एनाफ। एंड उसके बाद वी विल बी एडिंग लाल मिर्च। लाल मिर्च ज़ाहिर है एक टीस्पून जाएगी, या अगर आपको थोड़ी ज़्यादा मिर्च पसंद है तो आप थोड़ा ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। ये बच्चों के लिए बनाना है तो बिल्कुल माइल्ड सी हम इसमें स्पाइसेस रखेंगे। मैंने थोड़ा चाट मसाला डाला है, नियरली हाफ टी स्पून चाट मसाला डाला है टू एनहेंस द फ्लेवर। एंड देन वी विल बी एडिंग सॉल्ट। ऑफकोर्स सॉल्ट आप अपने जायके के मुताबिक रखें। एंड दैट्स इट, और कोई इसमें जो है मसाले की ज़रूरत नहीं है, बस इतना मसाला इज इनफ बिकॉज इट्स फॉर किड्स। और माइल्ड सा फ्लेवर होगा लेकिन बहुत ही मज़े का बनेगा। अच्छा वी विल ऑल्सो बी एडिंग अ लिटिल पिंच ऑफ अदरक लहसुन पेस्ट। एंड दैट्स इट, और ये देखें इसने पानी छोड़ा है, सब्ज़ी ने ख़ुद अपना पानी छोड़ा है और इसमें ही गलेगी, इसमें एडिशनल पानी की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। एंड दैट्स इट, इसको सही से मिक्स करके अब इसको हम कवर कर देंगे ताकि ये गल सके। अच्छा दो तीन ग्रीन चिलीज ऐड कर रही हूँ मैं इसके अंदर, और ये देखें आप इसने खुद ही इतना पानी छोड़ा है, इसमें कोई एडिशनल पानी नहीं गया है और ये इसमें ही आराम से गल जाएगी। और उसके बाद जब है ये गल जाए तो आप फ्लेम तेज़ करके ऑफकोर्स पानी सुखा सकते हैं अगर आपको बहुत भुनी हुई चाहिए, और अगर आपको शोरबे वाली चाहिए तो फिर आप उसको पानी के साथ रख सकते हैं, बट नो एडिशनल वाटर नीडेड। एंड ऑलमोस्ट आफ्टर 20 मिनट्स दिस इज़ हाउ इट लुक्स, और ये गल चुकी है, तुरई हमारी गल चुकी है और इतना ही पानी अब इसमें बचा है। एंड बस इसमें जो है मैं अब जो है थोड़ा सा फ्लेम तेज़ करके मैं इसका पानी सुखाऊंगी, थोड़ी सी भुनी भी चाहिए मुझे तो मैं इसका फ्लेम तेज़ करके पानी सुखा दूंगी थोड़ा बहुत। एंड दिस इज़ हाउ इट लुक्स। अच्छा जी तो अब खाने का टाइम हो गया है एंड मैंने ये रोटी बना ली थी बच्चों के लिए, और मैं बच्चों को आजकल रोटी प्रेफर कर रही हूँ चावल से ज़्यादा बिकॉज़ इन लोग को वायरल कफ भी है, फ्लू भी है, और अभी इनकी रिसेंटली बहुत ज़्यादा ही तबीयत ख़राब हो गई थी एंड बहुत ज़्यादा ही वायरल चल रहा है आजकल, तो ज़्यादा बेहतर है कि जो है चावल से ज़्यादा रोटी हो। और ऑफकोर्स सब्ज़ी के साथ रोटी लगती भी बहुत मज़े की है, तो इसलिए मैं बच्चों को रोटी प्रिपेयर कर रही हूँ। एंड ये मैंने डिश आउट कर लिया है बच्चों को खाना, और ये देखिए अब इनका फीडबैक। तो ये देखा आपने, वो भिंडी समझ के इसको खाने के लिए तैयार है माशाल्लाह से। एंड ये आफ्टर मील के व्यूज़ हैं, तो दैट वाज द वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर कमेंट, डू सब्सक्राइब इफ़ यू हैवन डन इट येट, एंड आई होप यू लाइक द वीडियो। सो अल्लाह हाफिज़ नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।